देंगे तो बात होगी। अब जब ब्रह्म मुहूर्त में जागने ही नहीं है तो भगवान का नाम क्या करेगा भाई। इसलिए जागने का प्रयास करो, ब्रह्म मुहूर्त का जागना अच्छा है। तो आइए आपकी मर्जी, क्या करोगे क्या नहीं। भगवान के 24 नाम कौन कौन से हैं, उन नामों का स्मरण कर ले। और दूसरा फल ये भी है, एक दिन में हम लोगों का जो समय कितने घंटे का होता है, दिन रात मिला के 25 तो नहीं होता, 24 होता है। चलो ठीक, तो 24 घंटे ही तो होते हैं। और भगवान के 24 नाम ले लो, 2400 घंटे भगवान कवच बन के खड़े हैं। कितना दयालु है वो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, किसी के बंधन में आना हो या किसी को बंधन में बांधना हो तो सरल सूत्र क्या है, रस्सी लेके बांध दे। किसी के बंधन में आना है या किसी को बंधन में बांधना है तो सबसे सरल सूत्र है, या तो उसके गुण का गुणानुवाद गाओ या फिर वो आपके नाम का गुणानुवाद। ठीक, जो जिसके नाम का गुणानुवाद ज्यादा गाने लगे, जिसके मुख में जिसका नाम बार बार आने लगे, समझ जाना ये उसके बंधन में है। गुण का अर्थ होता है रस्सी, गुण का अर्थ होता है रज्जु, बंधन में बांधना। आप भगवान को बंधन में बांधना चाहते हो तो भगवान के गुणों को गाओ, भगवान का गुणानुवाद गाना शुरू कर दो, भगवान अपने आप बंधन में आ जाएंगे। अच्छा किसी व्यक्ति को अपने बस में करना हो तो उसके गुणों की प्रशंसा कर दो, उसका गुणानुवाद गाओ, अरे आप तो बहुत अच्छा करते हैं, अब के जैसा तो कोई है ही नहीं है। अब जहां आप इतनी तारीफ किए तो आपके बंधन में वो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। गुण का अर्थ होता है रस्सी, ठीक है कि नहीं। तो भगवान को बंधन में बांधना है तो भगवान के नाम का गुणानुवाद गाया। भगवान के नाम का गुणानुवाद गाओगे तो आराम बहुत मिलेगा। अच्छा यहां जितने लोग बैठे हैं आराम किस किस को चाहिए, किसी को नहीं, सभी को चाहिए। यदि सभी को आराम चाहिए, एक बात ध्यान रखना, आराम की तलब है, ध्यान से सुनना, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। भगवान के 24 नाम, आइए उनका हम लोग स्मरण करें। पहला अवतार भगवान का कहा गया है सनकादि, जिसमें चार भाई हैं। कौन कौन से? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार कहा गया है वाराह का, विष्णु वाराह। तीसरा अवतार कहा गया है देवर्षि नारद का। चौथा अवतार नर और नारायण का। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो रोज पढ़ते होंगे ना बोल देंगे, और जो रोज ना पढ़ते होंगे चुप बैठे रहेंगे। चौथा अवतार नर और नारायण का। पांचवा अवतार भगवान कपिल का। छठा अवतार तो पीछे बैठ रहे कुर्सियों पर, उनसे भी पूछ रहा हूं, ये नहीं सोचिए हम पीछे निश्चिंत बैठे। छठा अवतार दत्तात्रेय का। सातवां अवतार यज्ञ पुरुष का। आठवां अवतार ऋषभ का। नौवां अवतार पृथु का। दसवां अवतार मत्स्य का।
ग्यारहवां अवतार कच्छप का, बारहवां अवतार धनवंतरी का, तेरहवां अवतार मोहिनी का, चौदहवां अवतार नरसिंह का, पंद्रहवां अवतार वामन का, सोलहवां अवतार परशुराम का, सत्रहवां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का, अठारहवां अवतार महर्षि वेदव्यास का, अठारहवां अवतार महर्षि वेदव्यास का, उन्नीसवां अवतार श्री हरि बलभद्र का, बीसवां अवतार श्री कृष्ण का, इक्कीसवां अवतार हंस का, बाईसवां अवतार हयग्रीव का, तेईसवां अवतार नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूं बस, तेईसवां अवतार बुद्ध का और चौबीसवां अवतार कल्कि का, ये है भगवान के चौबीस नाम। कितने सरल हैं, इनको याद करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम इनको याद करना नहीं चाहते। आपके दिमाग में संसारियों के सैकड़ों नाम याद होंगे, एक दृष्टांत की बात कर रहा हूं, अन्यथा ना लेना, संसारियों के सैकड़ों नाम याद होंगे हमको आपको, जिन नामों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन भगवान की 24 नाम, जिन नामों से कल्याण होगा वही भूल जाते हैं, वही नहीं याद रखते। तो याद करोगे तो जीवन में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, याद को उल्टा करो तो दया बनता है। परमात्मा की दया चाहिए तो परमात्मा का नाम याद किया करो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन महर्षि वेदव्यास 17 पुराण की रचना करने के बाद अनमनस्क अशांत, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। वेदव्यास जी के गुरु हैं नारद, गुरु का धर्म है शरणागत शिष्य का कल्याण करें। महर्षि वेदव्यास जी से देखे अपने गुरुदेव को, शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र सजल हो गए। साधक यही देखता है कि वो जब आपके पास आया है तो आपके अंदर की अभिव्यक्ति कैसी है। यदि आपके अंदर अभिव्यक्ति साधक के अनुकूल होगी तो आपके मन में संकल्प होगा और साधक आपके सामने होगा, और यदि वो अभिव्यक्ति नहीं है तो जल्दी आता ही नहीं है। आवत ही हरसे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहां जाइए कंचन वर्षे में। देवर्षि नारद को जैसे देखे महर्षि वेदव्यास, उनके शरीर में रोमांच हो गया, मारे खुशी को उछल पड़े, आज मेरे गुरुदेव आ गए, खुशी के प्रेमाश्रु टपक पड़े। अपने गुरुदेव को उच्चासन पर बैठा है, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किए, पाद प्रक्षालन के बाद आतिथ्य सत्कार जो कर सकते थे किए। एक बात और ध्यान रखना, भगवत कृपा से कभी आपके घर में आपके गुरुदेव कोई संत अतिथि आए तो सबसे पहले जो आतिथ्य सत्कार का फल है उसको प्राप्त कर लेना। यदि आतिथ्य सत्कार का फल आप ले लिए, आतिथ्य सत्कार आप कर लिए, तो उसकी हर क्रिया आपके कल्याण के लिए हो जाएगी।
तो कैसे करना है? आतिथ्य सत्कार संतों का, साधकों का कैसे होता है? थोड़ा ध्यान से इस विषय को सुनना। ये आप लोगों के काम के लिए, हर प्रसंग आपके कार्य के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग है जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता। और ये कभी कभी मस्ती में आता है जब मैं बोलता हूं। कभी भी किसी साधक की साधना का लाभ लेना है, आतिथ्य सत्कार का लाभ, जब वो आपके घर में पधारे, उच्चासन पर बैठा हो, पहला कार्य पाद प्रक्षालन करो और किसी महापुरुष का पैर धुलने के बाद फिर पहुंचना नहीं चाहिए तत्काल। आजकल लोग टॉवल साथ में रखते हैं, थोड़ा पोछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद तिलक लगाओ। तिलक लगाने के बाद आप कुछ उनको खिलाओ पिलाओ, मिष्ठान, सबसे पहले मिष्ठान की फल खिलाओ। फिर आपके पास सुगंधित कोई वस्तु, इत्र वगैरह जो लगाते हो, वो उसके वस्त्र में लगाओ। और इसके बाद फिर उसके गले में हार पहनाओ। हम लोग क्या करते हैं, कोई आया तिलक लगाया, माला पहना दी, हार पहना दी, ऐसे करते हैं ना। जब अक्रूर का आगमन हुआ था तो कृष्ण बलराम के द्वारा जो आतिथ्य सत्कार किया गया है उसका यह क्रम है। आज तो हमको वो क्रम भी नहीं पता है, न किसी क्रम का बोध है न किसी सूत्र का बोध है। तो इतना भी नहीं बोध है तो फिर भाव पक्ष तो मजबूत कर लो, भाव में फिर सारे क्रम विलीन हो जाते हैं। भाव पक्ष मजबूत कर लो। वेद व्यास जी के शरीर में रोमांच हो गया, अपने गुरुदेव को पाकर प्रेमाश्रुत पकने लगे। अब मेरे गुरुदेव आ गए हैं, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं रहेगी, अब मैं निश्चिंत हो जाऊं। देवर्षि नारद पहले महर्षि वेदव्यास को डांटे हैं। एक बात ध्यान रखना, गुरु शिष्य को डांटता भी है, लेकिन डांटता तो ऊपर से है, अंदर से हाथ लगा के रखता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जिस शिष्य को परिपक्व करना होता है, कर्माबाई कृष्ण की परम भक्ता थी। एक बार कई संत आए, तो जब संत आए तो गाय का गोबर उसके उपले होते ना, गांव देहातों जैसे बनाते हैं, वो एक लेकर संतों के पीठ पर मारने लगी। एक संत ने कहा, ये क्या, ये तो संतों का मजाक है। लेकिन एक साधक समझ गए, कई सारे संत थे, कर्मा भाई ने कहा इसमें एक पक चुका है ये, बाकी अभी सब कच्चे हैं, इनको पकने की आवश्यकता है। वो कैसे परीक्षण की, ये उसका विषय। आज नारद जी महर्षि वेदव्यास को पहले डांटे। डांटने के बाद क्यों डांटे, अरे ज्ञान के चक्कर में पढ़ के ऐसे ऐसे पुराणों की रचना कर दिए हो, ऐसे ऐसे सूत्र दे दिए कि आज का मानो अच्छी बात भले न माने पर कोई गलत बोल दे तो उसको छोड़ने वाला। अच्छा कोई संत ये कह देना कि आज दान का विशेष महत्व है, तो सुनने वालों में से 10% लोग दान करेंगे, 90% नहीं करेंगे। पर कदाचित ये कह दे कि यदि आज कोई दान करेगा तो नर्क जाएगा, इस बात को 100% लोग मानेंगे कि नहीं, बोलो। न करने की बात तो 100% मान लेंगे, लेकिन करने की बात में 10% रहेंगे। हे महर्षि आपने ये क्या किया,
तो अब क्या करें? बोले भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद गाओ। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार करो। गुरुदेव आपको यह रस कैसे मिला, कहां से मिला? नारद जी ने कहा देखो मुझे रस मिला है संतों की सेवा से। मैं लंपट गंधर्व था, श्राप मिला दासी पुत्र बनने के लिए। बाल्यकाल में पिता का शरीर शांत हो गया, मेरी मां मेरे भरण पोषण के लिए दूसरों के यहां झाड़ू पोछा लगाया करती। श्रोताओं हमारी आपके जीवन की पहली गुरु तो मां ही होती है ना। मैं कई बार कहा हूं, हर कथा में लोगों से कहता हूं कि देखो मां के शरीर में चलने की ताकत हो या ना हो, पर बेटों को चलाने की ताकत तो होती है। जब बेटा मां को प्रणाम करता है और मां सिर पर हाथ रखे तो बेटे के अंदर चलने की ताकत आ जाती है। बड़ा भागी है जिनको मां का दर्शन मिलता है, जिनको मां की सेवा मिली है, मां की ममता। और जो बालक अपने मां की सेवा कर लेता है उसके जीवन में कोई कमी भी नहीं रहती। लेकिन एक बात और है, भगवान कहीं कहीं खेल बड़ा उल्टा करते हैं। भगवान के मार्ग में जितने भक्त आए हैं ज्यादातर भक्तों को प्रभु ऐसी परीक्षा में डाला है कि जन्म लेते छोटी अवस्था में माता पिता किसी के मां साथ छोड़ देती, किसी के पिता साथ छोड़ देती। ये भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। कई ऐसे लोग मिलते हैं, कई देवियां कई देवता मिलते हैं। मैं तो छोटी थी या मैं छोटा था, मेरी मां का शरीर शांत हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ होश ही नहीं, मेरी मां कैसी थी, मेरी मां के संस्कार कैसे थे, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मेरी चाची ने पाला कि मेरी मौसी ने पाला कि किसी ने पाला। ऐसे भी बच्चे बच्चियां ऐसे भी लोग मिलते, लेकिन बाल्यकाल में जिसकी मां चली जाती है या पिता, बालक या बालिका कोई हो, उसका मन भगवान में जरूर लग जाता है। कबीर के माता पिता का कुछ पता नहीं है, कोई नहीं जानता। और आप लोगों को पता होगा ध्यानु भगत ज्वालामा के, ध्यानु भगत के नाम की तो बहुत चर्चा होती है ना, गीत गाते हैं। ध्यानु भगत के माता पिता मां ज्वाला के परम उपासक थे, लेकिन जैसे ध्यानु का जन्म हुआ जन्म देते मां समाप्त हो गई, पिता परेशान हो गए। अब बालक रोने लगा, अब उसको देखे किसको देखे। रात्रि का समय बरसात हो रही, तब उनको याद आया कि संसारी मां तो साथ छोड़ दी है, लेकिन जो जगत की मां है वो तो है ना मेरी ज्वाला मां। उस बालक को लेके भागे भागे गए। मध्य रात्रि का समय, भयानक बारिश, पुजारी जी विश्राम कर रहे थे, आवाज लगाए, रोज जाकर के सेवा करते थे। अरे भगत क्या हुआ? दरवाजा खोले, बात क्या है? सारा प्रसंग बताए, पहले इस बालक को संभालो, मैं तो भीग चुका हूं। और जैसे पिता पुजारी के हाथ में बालक को सौंपे वहीं पिता समाप्त हो गए। और वही ध्यानु ऐसे भक्त हुए
कि मां ज्वाला को जब चाहे तब प्रकट कर लेते थे। और पुजारी जी परेशान, अब क्या करें, बालक रो रहा। तो रात्र में मां का भवन खोले, दरवाजा खोले, ज्वाला मां के समक्ष लटा के बंद कर दिए गेट। वही ज्वाला मां गाय बन करके प्रकट हो गई, और जब बालक रो रहा था दूध की धार अपने आप प्रवाहित हुई और बालक दुग्धपान किया। ये कब किसके साथ कैसी लीला करता है उसको नहीं जान सकते। बस एक बात ध्यान रखना, जिस परिस्थिति में, जिस व्यवस्था में, जिस अवस्था में आपको रखे, बस वहां उसका चिंतन करना है। बस मां मिली है सेवा करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी वो मां तो है जो मृत्युलोक में भेजी है। मृत्युलोक भेजने वाला कौन है बोलो? आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हो तो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण के उपासक हो तो राधा कृष्ण, शिव पार्वती के उपासक हो तो शिव पार्वती, वो तो छोड़ने वाले नहीं है ना। नारद जी मां के साथ दूसरों के यहां झाड़ू पोछा करने जाते हैं। एक बार संतों का आगमन हुआ, जब संतों का आगमन हुआ, संतों की सेवा मां मुझे लगा दी चरण दबाना, उच्छिष्ट प्रसाद लेना संतों का प्रसाद। संत चतुर्मासा पूर्ण करके जाने लगे, मैं भी साथ साथ चल पड़ा। माँ आ गई, हे गुरुदेव मेरे जीवन का सहारा यही बालक है, ये भी चला गया तो क्या। निराश्रया नतिष्ठंती पंडिता वनिता लता, तीन को सहारे की आवश्यकता पड़ती है बाबा, नारी, लता और पंडित, बगैर सहायता के नहीं बढ़ते। किसी पंडित के अंदर कितने ज्ञान हो, लेकिन जब तक उसको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा तो उसका ज्ञान आगे, जैसे जो भी कथानक का उपदेश आपके समक्ष चल रहा है, अभी तक तो सीमित लोग सुनते थे, पर चैनल का एक सहारा मिला, हमारे भाई लोगों का संकल्प, कृष्ण की कृपा, तो इसके माध्यम से यह ज्ञान कितनी दूर तक जाएगा, कहां कहां जाएगा। और जब ये ज्ञान प्रस्फुटित तो होगा तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी हमारे सामने आएगा। तो इस ज्ञान को प्रस्फुटित करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। निराश्रया नतिष्ठंती पंडिता वनिता लता, ये तीनों को सहारा चाहिए। मां ने कहा इसके पिता तो पहले ही जा चुके हैं। संतों ने कहा बेटा मां की सेवा करो, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा, होगा। लेकिन नारद जी जब 5 वर्ष के हुए तो नारद जी की मां समाप्त हो गई, जन्म लेते पिता चले गए थे, 4 वर्ष की अवस्था में संत मिले, 5वें वर्ष की अवस्था में मां का शरीर शांत हो गया। अब 5 वर्ष का बालक सोचो, पिता नहीं मां का शरीर शांत, लेकिन नारद जी रोए नहीं। संत सेवा का फल, चले गए निर्जन वन में, प्रभु को पुकारे, प्रभु के वियोग में व्यथित हुए, हमारे प्रभु को प्रकट होना पड़ा हृदय कमल में, शरीर में रोमांच, लेकिन एक क्षण में वो स्वरूप गायब। नारद जी रो पड़े, भगवान ने कहा नहीं, ये तो संतों के मुख से निकला था इसलिए आपको मेरा दर्शन, हमारे जीवन के इतने सुकृत कर्म ना हो पर किसी संत के मुख से निकल जाए तो भी आपको भगवान का दर्शन। भगवान कहते अपनी वाणी मिथ्या कर सकता हूं पर अपने भक्त की वाणी को मिथ्या मैं नहीं करता। वही अगले जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर के आए नारद। और नारद जी
चार श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा का रसपान कराए महर्षि वेदव्यास को, और महर्षि वेदव्यास उसका विस्तार करते हैं। लेकिन संतों की कृपा, नारद जी की मस्ती, आइए हम लोग भी मस्ती का आनंद लें। अपनी धुन में रहता हूं और आगे क्या बोलता हूं। अब राधे बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि राम बोलते हैं कि सीता बोलते हैं, वो जाने। आइए नारद की मस्ती का आनंद हम लोग भी लें थोड़ा सा। अपनी धुन में रहता हूं राधे राधे। अपनी अपनी मस्ती है कि नहीं? अच्छा, एक बार जिसको जिस नाम की मस्ती लग जाए फिर छूटती भी नहीं, इसलिए उससे पूछा कहना कन्हैया से, राधे से कहा करो मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, बस मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। तो क्या मस्ती नारद जी की, आइए उसका आनंद लें। अपनी धुन में रहता हूं, अपनी धुन में रहता हूं। हाँ, ये तो मस्ती का राज है ना। अपनी धुन में रहता हूं, राधे राधे कहता हूं। अपनी धुन में रहता हूं, राधे राधे कहता हूं। अपने धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे प्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे श्री राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। जब से तेरा प्यार मिला ये जीवन जैसे बदल गया, जब से तेरा प्यार मिला ये जीवन जैसे बदल गया। राधे, जब से तेरा प्यार मिला ये जीवन जैसे बदल गया, जब से तेरा प्यार मिला ये जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे एक सहारा मिल गया, मारा मारा फिरता था मुझे एक सहारा मिल गया। मस्ती में अब रहता हूँ, मस्ती में अब राधे राधे कहता हूँ। मस्ती में अब रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधे की राधे 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 प्रिय राधे 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 की राधे अपने धुन में रहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ से ही श्री राधे भक्तजनों का साथ मिला तेरी कृपा से ही श्री राधे भक्तजनों का साथ मिला तेरी कृपा से ही श्री राधे रसिकजनों का साथ मिला तेरी कृपा से ही श्री राधे रसिकजनों का साथ मिला भटक रहा था जग में आके गुरुवर ने मुझे बचा लिया भटक रहा था जग में आके गुरुवर ने मुझे बचा लिया गुरु शरण में रहता हूँ गुरु शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ गुरु शरण में रहता हूँ राधे 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 मैं अपने धुन में रहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ जाने दुनिया भर के का रज सब कैसे होते हैं ना जाने दुनिया भर के का रज सब कैसे होते हैं जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं राधे जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं राधे शरण में रहता हूँ राधे शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 राधे
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जीना तेरी गली में जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में दिन रात बाट देखो बैठा तेरी गली में क्यों अपनी धुन में अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ। महर्षि वेदव्यास अपने गुरुदेव के द्वारा भगवत तत्व प्राप्त कर भगवत रस प्राप्त कर अब उस रस का विस्तार कर रहे हैं। नारद जी 4 श्लोकों में रस दिए, महर्षि वेदव्यास इसका विस्तार कर रहे हैं 18,000 श्लोकों में। इसका विस्तार कहां पर हुआ है? ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासैति प्रोक्त ऋषीणां शत्रवर्धना। जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि मनीषी बैठ करके साधना की, सरस्वती के तट पर, सरस्वती के दो तट हैं पूर्व और पश्चिम। साधक लोग पश्चिम तट पर बैठते हैं सरस्वती के, और संसारी लोग पूर्व तट पर बैठते हैं, दोनों तट में ही सरस्वती के, एक पूर्व का है और एक पश्चिम का है। दोनों में अंतर क्या है? पश्चिम तट पर बैठने से हमारी आपकी इंद्रियों का मुख भगवान की ओर हो जाता है, और पूर्व तट पर बैठने से हमारी आपकी इंद्रियों का मुख पदार्थों की ओर हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। अब वहां विस्तार करने के लिए जो बैठे, तो महर्षि वेदव्यास जी बोलने काम करेंगे, लिखने का काम कौन करेगा? गणेश। आज जिनका नाम गणेश हो वैसे बड़े बुद्धिशाली होते, बुद्धिमान होते हैं कि नहीं? अब जिनके घर में ही गणेश विराजमान है उनको तो पता ही होगा भाई। तो लेखन का कार्य कौन करता है? गणेश जी। बोलने का कार्य करते हैं कौन? वेदव्यास। दोनों की एक शर्त है, क्या? गणेश जी ने कहा मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, तो वेदव्यास जी ने कहा मैं दोबारा बोलूंगा नहीं। बोलो ठीक। गंधमादन पर्वत पर कन्हैया कृपा हो कभी आप लोग पहुंचो, उसका भी एक अलग आनंद है। थोड़ा भय तो है पहाड़ में ज्यादा, लेकिन आजकल तो हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। बद्रीनाथ में हेलीपैड है, और हेलीपैड से आप यदि पैदल भी जाओ भगवान को प्रणाम करने तो 15 मिनट लगेगा पैदल, इतना समय। वहां कोई पहाड़ी नहीं है, अलकनंदा जी उसके ऊपर पुल है, पार करते भगवान का स्थान। देखो मृत्यु लोक में 8 वैकुंठ हैं, ध्यान सुनना, मृत्यु लोक में 8 वैकुंठ हैं। तो जो पहला भू वैकुंठ कहा गया है वो है बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ।
आप यहां पर बैठकर 1000 बार भागवत की कथा का रसपान करो और बद्रीनाथ में एक कथा का रसपान 1000 गुना फल होता है। 1000 भागवत का फल प्राप्त होता है बद्रीनाथ में। कभी प्रभु की कृपा हो, देखो परमात्मा की कृपा है आप लोगों के ऊपर, कोई कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति को मजबूत करना है बस। वाहन से डर लगता, प्लेन से आओ हेलीकॉप्टर से क्या दिक्कत, लेकिन यदि एक बार वहां पहुंच जाओगे ना और बद्री विशाल जाकर भगवान का निर्वाण दर्शन, और यह सुलभ केवल बद्रीनाथ में ही होता है, ध्यान रखना, बाकी निर्वाण दर्शन आप लोगों को कहीं मिलता नहीं है। निर्वाण दर्शन समझते हो कि नहीं? निर्वाण मतलब नहीं, तो मैं आपको सरल बता दूं, जैसे बांके बिहारी के पास आप लोग जाते हो तो बांके बिहारी जी का जो निर्वाण दर्शन है, यदि वो एक बार आपको मिल जाए तो आपका कल्याण उसी वक्त हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता। आप लोग जो दर्शन करते हो तो माया के श्रृंगार का दर्शन करते हो। निर्वाण दर्शन जिस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं बद्री विशाल में, यह है 2 घंटे तक भगवान का निर्वाण दर्शन। आप लोग गए थे ना एक आध बार, रोज तो नहीं जाते थे, क्योंकि निर्वाण दर्शन करना हो तो सुबह 4:30 बजे आप पहुंच जाओ। भगवान का अंगराग, किस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, आपको एक एक अंग का दर्शन होगा, और कैसे भगवान का महाभिषेक होता है, कैसे अंगराग, कैसे चंदन के लेप, एक एक प्रक्रिया अपनी आंखों से आनंद लेते रहो बैठ के। यह होता है निर्वाण दर्शन, और जब निर्वाण दर्शन मिलता है तभी प्रभु कृपा होती है। और ये कहीं भी आप जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, बस वृंदावन की बात नहीं करता, कहीं भी जाओ ये जल्दी ये दर्शन मिलता नहीं। श्रृंगार के बाद पट खुलता है, अब फूल माला इतने लाद दिए जाते हैं कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो, अब जैसे बिहारी जी हम लोग इस समय जाते हैं, एक छोटी सी बात, बिहारी जी में जाने के बाद एक बात बताओ, नजर में बिहारी जी रहते हैं कि फूल बंगला रहता है, अपने आप से पूछना। हम गए थे बिहारी जी के लिए, अरे आज फूल बंगला बड़ा अच्छा लगा, तो बिहारी जी तो गायब हो गए, आप तो बिहारी जी को भूल गए ना, आए थे बिहारी जी से मिलने, लेकिन जो फूल बंगला है यही है माया का श्रृंगार। अब जितने गौर से हम फूल बंगला देखते हैं उतने गौर से बिहारी जी हमारे पास, कुछ बिहारी जी के भक्त भेजा करते फूल बंगला का दृश्य, तो मैं एक बार उनको मैसेज लिखा कि मुझे फूल बंगला का दृश्य उतना महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है, आप भेजते हो स्वागत है, लेकिन जो बांके बिहारी का स्वरूप हो तब भेजा करो, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा कल्याण बांके बिहारी से होना है। थोड़ा ध्यान सुनना आप लोग जिस विषय को बता रहा हूं मैं, तो मृत्युलोक काष्ट वैकुंठ, मृत्युलोक में 8 वैकुंठ हैं, पहला वैकुंठ है वो बद्रीनाथ। कभी कन्हैया की ऐसी कृपा हो कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई लोग, एक बार में नहीं हो सकते ये, पर 2-4 बार में आप लोग चाहो तो हो सकता है। तो मृत्युलोक में महत्वपूर्ण 8 वैकुंठ है, 7 पुरियां हैं, अकेले अकेले खूब गए हो, कभी एक बार समय निकाल के चलो, 2-4 दिन का कभी समय निकालो, 1-2 स्थान कभी, और एक बार 8 वैकुंठ में चल करके वहां की महिमा रसपान कर फिर प्रणाम करो, उसके बाद आपको अपने आप अंदर से पता लगेगा कि हमको क्या मिल रहा है। मैंने आप लोगों से ही कहा ना कि यहां तो मैं कथा करने अपने घर में आया करता हूं, जो समिति के सदस्य हैं मैं इनको शिष्य ही नहीं मानता, इनको अपना भाई मानता हूं, और इसीलिए कई बार साधिकार कुछ बोल भी देता हूं कि ये करना है, अपना अधिकार मान के बोल भी देता हूं कि ये करना है, लेकिन आपका कल्याण कैसे होगा ये भी सोचना मेरा कार्य है, खाली बोलना पर नहीं, कभी सहयोग बने आप लोग समय निकालो। 3 चीज मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं,
आप लोग जब कहोगे हम तैयार हैं। अष्ट वैकुंठ, सप्तपुरी और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, इसमें मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। कहीं कभी कार्यक्रम होगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन समय आपको दिखाऊंगा। आओ ताकि आप लोगों को कुछ मिले। इस शरीर को जो मिला है, जिसकी अनुभूति है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास तो जो कन्हैया दिया वो कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं छीन लेगा, लेकिन कुछ आप लोग ले लो, आपका कल्याण होगा। अष्ट वैकुंठ में पहला वैकुंठ बद्रीनाथ है, दूसरा पड़ता है मुक्ति नारायण तीर्थ क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, जहां गंडकी नदी में शालिग्राम शिला, तीसरा है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप लोग जा चुके हो, ये अष्ट वैकुंठ में भी आता है। और चौथा है पुष्कर, यहां ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ये उत्तर भारत के चार हैं, चार दक्षिण भारत के। कभी उसकी कृपा हो आओ और उसका आनंद लो, फिर आपका जीवन क्या है आपको पता लगेगा। वेद व्यास जी, और एक बात और ध्यान रखना, प्रसंग में आ गया तो बता दो, शंकर के उपासक प्रायः ये कहते हैं, और कहना चाहिए, कोई गलत नहीं इसमें, शिव भक्तों को कहना चाहिए कि काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिलती है, तो काशी में मुक्ति का दान कौन करता है? बोलिए, प्रायः लोग जानते हैं शंकर जी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो यदि काशी में शंकर जी मुक्ति का दान कर रहे हैं, तो तुलसी जैसे राम के भक्त, क्या राम जी पर विश्वास नहीं था, अयोध्या छोड़ के काशी में शरीर क्यों छोड़े? तुलसी जी शरीर कहां छोड़े हैं? काशी में। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, वहां छोड़ने की आवश्यकता थी। तुलसी जी को ज्ञान था। हमारे प्रभु जब ब्रज से द्वारिका गए थे, जब द्वारिका से गए तो वहां उद्धव जी, कल मैं आपको प्रसंग बताया था ना, भागवत के रूप में भगवान प्रकट होके उद्धव जी कहां लेके गए थे? बद्रिकाश्रम। तो प्रभु ने कहा ठीक है ले चलो, मैं रहूंगा, लेकिन अपना कार्य स्थान अलग अलग। जैसे हम लोग एक घर में ही रहते हैं, घर तो एक ही है, लेकिन शयन का स्थान अलग होगा आपके, पूजन पाठ का स्थान अलग होगा, भोजन करने का स्थान अलग होगा, और मित्रों के साथ बैठने का स्थान, ठीक है कि नहीं? मकान एक ही है, लेकिन ये व्यवस्थाएं अलग अलग हैं कि नहीं? उसी प्रकार ये सारा भूमंडल भारतवर्ष भगवान का भवन है, इसमें भगवान अपना अपना स्थान अलग बना रखे हैं। प्रातःकाल संध्या वंदन स्नान सेवा ये बद्रीनाथ में विराजते हैं। बद्रीनाथ का साक्षात्कार प्रातःकाल, और कभी आप लोगों को काशीवास का अवसर मिले तो काशी में जो भगवान की लीला का आनंद लेना, तो 7-8 मान लो आपके पास, हम 8 के बाद उसे 7 से 11 भगवान विराजते हैं काशी में, और वहां मुक्ति का दान देते हैं। उसके पहले विराजमान होते हैं बद्रीनाथ में। जगन्नाथपुरी कभी जाना तो मध्य दिवस का जब 12 बजे का समय होता है, उस समय भगवान को प्रणाम करना, सुबह करो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? राग भोग लेने भगवान जगन्नाथ जी जाते हैं, इसीलिए कहा है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। तो भगवान राग भोग की व्यवस्था अपनी बनाए जगन्नाथ जी ने, और जब सभासदों के साथ बैठकर इसकी व्यवस्था का, इसके संचार का कार्य करते हैं, तो उसके लिए गोमती द्वारिका, द्वारिका में दो है, गोमती द्वारिका और भेंट द्वारिका। गोमती द्वारिका में कभी जाओ तो 4 से 7-8 ये उस समय का समय रखो, और सायंकाल जो विश्राम है वो करते हैं भगवान फिर भेंट द्वारिका में। यह है भगवान की व्यवस्था।
अब आपको बाल लीला का आनंद लेना है, भगवान के स्नान संध्या वंदन श्रृंगार का, तो बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। मुक्ति का जहां भंडार खोल रखे हैं उसके लिए काशी जाना पड़ेगा। राग भोग की संतुष्टि के लिए आपको जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। आपको मित्रवत मानकर आपके साथ व्यवहार करें उसके लिए भेंट द्वार के जाना पड़ेगा। और आपको अपने कक्ष में शयन करवाएं या आपके कक्ष में आए, भेंट द्वारिका, गोमती द्वारिका और भेंट द्वारिका। बात सुन में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई आप लोगों के? ऐसा है वैकुंठ, अष्ट वैकुंठ में बद्रीनाथ। महर्षि वेदव्यास विस्तार करता हूं, शायद ये प्रसंग पहले नहीं बताया था, बताया था नहीं? चलो बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो पर एक आध बार साथ बताया हूं कभी। महर्षि वेदव्यास जी विस्तार कर रहे हैं कैसे, आइए उस प्रसंग को देखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महर्षि वेदव्यास महाभारत के समापन से, हमारे अंदर का जब महाभारत समाप्त होगा तब भागवत का उद्गम होगा। ये संसार सागर ही महाभारत है, भीष्म और द्रोण उसके तट हैं, जयद्रथ उसमें जल है, जीव ही अर्जुन है। यहां जितनी मूर्तियां विराजमान है ना, ये सब अर्जुन है। दया है द्रौपदी, युधिष्ठिर है धर्म, भीम है बल, नकुल है सुंदरता, सहदेव है ज्ञान। जिस मानव के जीवन में ज्ञान की सुंदरता हो, धर्म का बल हो, उसका वर्ण करती है दयारूपी द्रौपदी। और जब दयारूपी द्रौपदी वर्ण कर लेती है तब परमात्मा उस जीव के रथ की लगाम को अपने हाथ में, जिसके रथ की लगाम कृष्ण अपने हाथ में ले लें, उसका रथ फिर भवसागर में कभी डूबता नहीं है। कई बार तो लोग कीर्तन गाते हैं, दीन बंधु दीननाथ तेरी डोरी क्या है। अच्छा, मेरी डोरी तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये भी गलत है। तेरी डोरी तेरे हाथ, ये मेरा तेरा कहां से आ गया भाई? मेरा और तेरा तो अलग कर देगा ना। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ। जब नदी की धार गंगा में मिल गई तो मिलने के बाद क्या बन गया वो जल? गंगा जल बन गया कि नहीं? अब अलग से गंगा बनने की आवश्यकता, कुछ करने की आवश्यकता है? कुछ नहीं है। जो अपने आप को हम परमात्मा से मिला दिए तो फिर मेरा तेरा कहां रहा? दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, फिर तो अपनी मस्ती हो बस। महर्षि वेदव्यास जब विस्तार किए तो वहां दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़े तड़फड़ा रहे थे, अश्वत्थामा का आगमन।
मित्र आपकी अंतिम इच्छा क्या है? जीवन भर पांडवों को मारने का प्रयास किया, पांच में से एक नहीं मरे, हमारे सब के सब भाई मारे गए, मैं भी जा रहा हूं। मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, कोई इन पांडवों को मारकर दिखा दे। अश्वत्थामा सोचते हैं, जागते हुए पांडवों को मारना तो कठिन है, पांडव सो रहे हैं, जाकर के उनका सर काट ले। चल पड़े सर काटने के लिए, भगवान पांडवों को जगाए, लेके चल पड़े। जिसका रक्षक प्रभु हो वो कभी परेशान नहीं हो सकता। जिसके रक्षक हो श्री राम कभी वो हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ के भक्त को कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ के भक्त को कोई मार नहीं सकता। किसकी ताकत मार देगा आपको? मारने वाले के दो हाथ, बचाने वाले के हजार हाथ। भगवान पांडवों को जगाए, लेके चले गए। द्रौपदी के बगल में पांच पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझकर सर काट लिया। द्रौपदी को बड़ी पीड़ा हुई, पांच पांच बच्चों का सर कट जाए, मां की क्या दशा होगी। महाराज माताएं तो इतनी भावुक होती हैं कि बालक के सिर में दर्द होता है, रोती मां है, बालक को थोड़ी भी चोट लग जाए तो अपने बालक के लिए मां सब कुछ करने को तैयार है। कोई व्रत करना हो, पूजन पाठ करना हो, महाराज बताओ मैं सब कर लूं। द्रौपदी का विलाप, अश्वत्थामा पहुंचे दुर्योधन के पास। मित्र आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दिया। दुर्योधन बड़े खुश हुए, लाओ मुझे भीम का सर दो। लेकिन भीम का नहीं था, भीम के बेटे श्रुतसोम का था। अरे आपने ये क्या किया? मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, आपने तो मेरे वंश का नाश कर दिया, उसी वेदना में शरीर छोड़ दिया। पांडवों को लेके प्रभु आए। अर्जुन ने कहा, जब तक पुत्रहंता का सर ला के आपके चरणों में नहीं डाल दूं तब तक मैं आपके अश्रु नहीं पोछूंगा। भगवान चल पड़े। अश्वत्थामा देखे कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए। भगवान ने कहा, पार्थ आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। अश्वत्थामा छोड़ना जानते हैं, लेकिन अर्जुन छोड़ना भी जानते हैं और वापस करना भी जानते हैं। खींच लिए, अश्वत्थामा गलत कर्म किए थे, पशुवत बांध कर लेके आए। जैसे द्रौपदी के समक्ष ला करके कहते हैं, ये आपका अपराधी, रोने वाली द्रौपदी अपने आंसुओं को रोक कर क्या प्रार्थना करती है, सुनो। उवाच चास हंत्यस्य बंधनानयनं सते मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरा गुरु। हे पार्थ, हे केशव, आप इनको छोड़वा दें, हमारी गुरु मां इन्हीं के कारण तो गुरुदेव के साथ सती नहीं हुई। पुत्र के वियोग में मां की क्या दशा होती है, उस दर्द की अनुभूति आज हो रही है। और आप इनको मारेंगे भी
तो मेरे बेटे जीवित होने वाले तो है नहीं। और ब्राह्मण बालक को तो ऐसे ही मारना अपराध है, गुरुपुत्र है। भगवान ने कहा द्रौपदी, कृष्णा आपके बच्चों की हत्या करने वाला आपके सामने खड़ा, कहते छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा केशव एक बात बताओ, जब आप कहते मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो अश्वत्थामा इनको मार कैसे सकते थे? तो जब इतना बोध है तो आप रोई क्यों? द्रौपदी ने कहा केशव मैं उन बच्चों के लिए नहीं रोई हूं, मैं तो अश्वत्थामा के रक्षा के लिए रो रही थी। भगवान द्रौपदी को गले लगा लिए, धन्य हो कृष्णा, मैं यही तो जानना चाहता था कि मेरे मार्ग में आने वाले मेरे भक्त कैसे होते हैं। है कन्हैया तू जैसा करता है अच्छा है, पंजाबी में कहावत तेरा कीता मीठा लागे। कन्हैया तू जो करता है अच्छा है, जो किया अच्छा किया। पांडव अपने बच्चों का संस्कार करने गए, अंतिम संस्कार। अश्वत्थामा के लिए भगवान ने कहा इसको ऐसे मत छोड़ो, दंड थोड़ा मिलना चाहिए, मणि छीन के छोड़ दिया। लेकिन शिविर के बाहर जाकर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, इस बार कहां किया? उत्तरा के गर्भ में जो बालक अभिमन्यु का तेज परीक्षित करो। उत्तरा भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे नाथ मेरी नहीं अपने भक्त की रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए, परीक्षित को कष्ट है, परीक्षित कुछ बोल नहीं रहे और ये परेशान है। भगवान के भक्त तीन प्रकार से होते हैं, ध्यान रखना। एक असाधन के घाट में, एक सुसाधन के घाट में और एक कुसाधन के घाट में। जो असाधन के घाट पर बैठे हैं भगवान से कुछ नहीं कहते, आप चाहे जहां रखो जैसे रखो जिस व्यवस्था में रखो मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। भगवान ने कहा उत्तरा पांच पांच पांडव उनके पास न जाकर मेरे पास क्यों आई हो? हे नाथ हे केशव जब द्रौपदी जी पर संकट आया तो पांचों महारथी वहां बैठे हुए थे और उनके मन में अहंकार था मेरे पांच पांच पति हैं इस दुष्ट की भुजा उखाड़ देंगे। लेकिन जब ये पांचों रक्षा नहीं किए तो पुकारी तो आपको ही, तो जब मुझे पता है कि संसार में आपके अलावा कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं तो मैं समय बर्बाद क्यों करूं? द्रौपदी चाहूं और चितै जो रही चित जाय रहियो यदु नाथ जहां भीषम द्रोण रहे गहि मौन दुःशासनयं वर लेन चाह पांचों पति तन हेर रही ब्रजराज उबारव।